हुकूमत के अंदर पहली बार माइनर वर्क आउट डिपार्टमेंट के अंदर आज तक केस नहीं करे थे हमें, पहली बार माइन मिनिस्टर बनने के बाद हमारी हुकूमत आने के बाद ये हिजाब का मसला चल रहा। आगे आने वाले दिनों में कैसा कौन सी गवर्नमेंट आती है, आप हमारी कांग्रेस है परवाह नहीं, कैसा भी जो पूछने का नहीं। सभा का दिन बोलो, सभा का दिन शीतला पड़ी क्या करती है, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना कर को आगे जाने वाले दिन पहली बार मई कोर्ट के अंदर एक कॉलेज पांच पीयू कॉलेजेस डालना तुमको डिसाइड करो। 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम शुरू करी 5 करोड़ रुपए कॉलेज के, अरे शुरुआत करी हुई ये शुरुआत कर दो, ये पहली बार 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चालू करिए। अब उसके बाद क्या करते हो, अगले साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट अंदर को कर दो इंशाल्लाह, अल्लाह चले तो अल्लाह मुझे हयाती दिया तो पूरे तालुका में कॉलेज हो सकता करते इंशाल्लाह, ठीक है। तो एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं बचे, तो सबको दे तुम्हारा देने बैठे तो मैं ये भी ये कॉलेजेस कर रही, उसके साथ में क्या करे मैं वॉकआउट के अंदर मैं बोल रहा हूँ वॉकआउट में 5 घंटे में खत्म कर दो, मालूम तुम्हें बहुत देर से इंतजार कर रही, ज्यादा वक्त नहीं लेता इंशाल्लाह, मैं अभियान का तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें तुम्हारा भविष्य में इंशाल्लाह तुम्हारे बीच में रखता हूँ, अगली बार खुलासे से आपको मैं बात करता हूँ। उसके साथ में क्या करें वर्कबोर्ड से हमें वर्कबोर्ड से क्या करी एम्बुलेंस देना कर तो तय करी एम्बुलेंस सब जगह ही तुम्हें देखे नहीं कमा एम्बुलेंस मामूल रहती वो एम्बुलेंस में क्या रहता है इंतजाम पूरा नहीं रहता, हमें जो एम्बुलेंस देखो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखो मां 30 डिस्ट्रिक्ट को भी एक डिस्ट्रिक्ट को एम्बुलेंस देखो एक एम्बुलेंस की वैल्यू 30-9 लाख रुपए, उसके अंदर मिनी हॉस्पिटल रह सकता मिनी आईसीयू रह सकता, उसके अंदर वेंटिलेटर आईसीयू ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम मानने वाले से बचाने वाला बड़ा मां मानने वाले से बचाने वाला बना जल्द कोशिश तो करना ना वैसा कर को वर्कपोर्ट से क्या करियो 30 डिस्ट्रिक्ट को पूरे यहाँ यहाँ भी देखो तुम्हारे इमाम साहब कुछ क्या की देखो इनको इनके अंजुमन कुछ देखो माँ 30-9 लाख की गाड़ी पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखो इंशाल्लाह आने वाले दिन के अंदर तालुका भी देखो इंशाल्लाह ये पहले शुरुआत करें। उसके साथ में क्या करिए तालुकवार पूरे फ्रीजर अंदर कोई माँ फ्रीजर कहीं के वास्ते किसके भी घर के अंदर मौता होगी तो वो मौता रखना करो बोलेगा तो फ्रीजर नहीं रहता, कौन की बच्चा मुंबई में काम करता कौन की कुवैत में काम करता कौन की रियाद में रहता कहीं की बाहर रहता वो बच्चा उन्हें को तो बहाना को तो बाहर से कम से कम एक 18-20 घंटे 24 घंटे रखना को तो इंतजाम नहीं रहता, एक 2 दिन रखना को तो इंतजाम उनके बोला रहे तक तो इंतजार करना ना उनको इंतजाम नहीं रहता वो उनके वास्ते बहुत तकलीफ होती थी मालूम होगा। ये बार क्या करें 224 कांसीजन को भी पूरी जगह फ्रीजर फ्रीजर हम देखो हमारा इंशाल्लाह कहां कहां यहाँ हॉस्पिटल के अंदर 70,000 मुसलमान की आबादी एक फ्रीजर से होता नहीं, आने वाले दिन के अंदर जहां जहां मुसलमान की आबादी है वहां 10-15 फ्रीजर देना करो भी इंशाल्लाह तय करो। ये शुरुआत करो तुम्हारा दुआ की दरकार मेरे बच्चे बहुत बच्चे यहाँ यहाँ अवार्ड फंक्शन भी है बेहतरीन कार्यक्रम करी मेरे नौजवाना बच्चा से काजिजाना गुजारिश माँ मेहरबानी करो तुम्हारे माँ बाप जो ही ये अरमान रखो तुम्हारे स्कूल को पढ़ने भेजती जो कि कई के वास्ते माँ बाप पढ़ने भेजती है हमें तकलीफ नहीं सो हमारे बच्चे तकलीफ नहीं उठाना उन्होंने पढ़ को आगे बढ़ को कुछ तो करना उन्हों हमारे साथ साथ में दूसरे को चार जने पालती करके बोल को तुम्हारे माँ बाप तुम ना भेजती सो आज हमारा अक्रम करको यहाँ सीओ ए हिमाना बैठ बात सुन कर यहाँ हमारा अक्रम करको बैठा या मेरा भाई अक्रम करको सीओ नो ए सी थे सीओ ही अब एक 3 साल के अंदर डीसी बनती हूँ सुनो यहाँ उनकी स्टोरी में बोलता हूँ ये बहुत से गरीब बच्चे में क्या है मन में नहीं भी हमें गरीब खानदान से हमें सब ये सब कान से बनने होता हमें आईएएस बनने होता क्या आईपीएस बनने होता क्या अगर को तुम्हारी बच्चे की सोच रहती अल्लाह मियाँ बेटा तकदीर लिखता सो अल्लाह मियाँ जिसकी तकदीर में क्या लिखा मंगनी ये बच्चे की मैं स्टोरी बोलता हूँ ए सी साहब जो यहाँ बैठी इन्होंने एक ऑटो ड्राइवर का बेटा सुनो यहाँ ऑटो ड्राइवर का बेटा ये ऑटो ड्राइवर का बेटा इनो 6 साल की उम्र में उनका वालिद का इंतकाल हो गया था कितनी उम्र में 6 साल की उम्र के अंदर वालिद का इंतकाल होता उसकी माँ 4 बच्चों को एक बच्चा जो है वर्कबोर्ड में काम कर रहा एक बच्चा जो है इसमें पुलिस में सब इंस्पेक्टर काम कर रहा और एक बच्चा जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा एक बच्चे को सीओ बनी सभा का दिन डीसी होता हमें सब जाकर सलाम मारने को करना माँ ये तकदीर होती इसकी माँ की तारीफ करना कि नहीं करना माँ कैसा पाली दूंगा ऑटो ड्राइवर का बेटा 6 साल की बच्चे की उम्र में अब उसकी 30 साल अब उम्र बच्चे की हो उसकी माँ क्या करो बोलो केरोसिन की डीलरशिप लेको 4 बच्चों को पढ़ाको एक बच्चे को आज ये नतीजे में बैठे ना वो माँ को सेल्यूट करना कि नहीं करना माँ को सेल्यूट करना कि नहीं करना तो वैसा हर एक माँ बाप
मेरे बच्चे जाको बड़को की तो ये जी क्या थी और देना तो देने तो हमें करते कहीं बार बार उनके पास आना मेरी माँ कहीं के वास्ते एजुकेशन के बारे में इतना मैं इंटरेस्ट लगा एजुकेशन के बारे में बोलते हो तो आज मैं बोले इसके पहले बोलिया अल्लाह मियाँ मैं कभी सोचने से ज्यादा मुझे दे देना माँ मैं क्या पूछो अल्लाह दिया मुझे हर चीज से नवा दलिया क्या चीज भी कम कर यानी पांडे में मिले तीन बार मिनिस्टर हो गो मैं कभी कभी बैठा तो अपने आप को बैठ को रो दू सब मैं हकीकत बोलने में डरता नहीं मैं मुझे एजुकेशन नहीं खाली SLC पढ़े मैं SLC का एग्जाम भी नहीं दिया मैं आज अल्लाह में तो सब में हमारे वालिद को अल्लाह में अच्छी दौलत दिया था या भी पैसे की हमने कमी नहीं थी मैं क्या बनना उन्होंने पढ़ा देते मुझे इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना IAS बनना क्या बनना भी मुझे बनाने तैयार थे मगर क्या होगा पढ़ने का मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ा नहीं कब तो इतना बड़ा मुकाम आ जाको कब तो अपने आप को बैठ करो तो अल्लाह मियाँ तू सब कुछ मुझे नवा दिया मुझे तालीम दिया नहीं कदो तालीम कैसी और क्या भी नहीं माँ तालीम एक मजबूत ताकत बड़ी हत्या हो बच्चे इसके अंदर कौन कौन कांटा है तकदीर में क्या क्या लिखा है मालूम नहीं बेटा कौन कौन कांटा बोलता हूँ नहीं अल्लाह मियाँ तकदीर लिखता तो दिल लगा को तुम्हारे माँ बाप एक उम्मीद रखो तुम्हारा लोगों को एक आस रख ले को तुम्हारा लोगों को।